दोस्तों आज के इस वीडियो में गर्मियों के समय में चल रही हमारे लव बर्ड्स की ब्रीडिंग, अगर आप सभी को बता दूं तो आप सभी की क्या राय है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विद मोहित यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, गर्मियों में एक जोड़े लव बर्ड से हमने ब्रीडिंग तो ले ली लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला। सिर्फ दो बच्चे आए हैं, वो भी काफी ज्यादा कमजोर, उनकी कंडीशन में आप सभी को बताता हूँ। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस तरह से उन्हें बचाया, लेकिन प्रॉपर में उनकी वो ग्रोथ नहीं करवा पाया जो कि हम ब्रीडिंग सीजन में करवाते हैं। वो कैसे ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के साथ साथ मैं आप सभी को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप अभी देख रहे हैं ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है बर्ड्स विद मोहित। पुराना यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन, अगर नहीं देखा तो जाएं और उसे भी सब्सक्राइब करें। तो इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, हमारे प्रत्येक वीडियो देखा करें, उन्हें लाइक किया करें और उनमें क्या चीज़ आपको समझ आती है क्या नहीं आती है उसके बारे में कमेंट किया करें। आगे हमें कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए उसके बारे में सजेशन भी दिया करें। तो चलिए इस एक जोड़े की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं। एक इस बॉक्स के अंदर बच्चे हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, मैं भी देखता हूँ और उनकी क्या कंडीशन है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी ये जानते हैं कि ये हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज की कॉलोनी है जहाँ पर हमारे बजीज पैरेट हर साल काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। काफ़ी कलरफुल बजीज का हमने कलेक्शन किया हुआ है। इस बार कुछ कलर बाकी हैं, कुछ बजीज की प्रजातियां म्यूटेशन बाकी है जो कि ऐड की जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहे हर एक जानकारी के लिए। यहाँ हमारे पाइनएप्पल कन्यूर और सन कन्यूर के बगल में एक सेपरेट केजेस रखा हुआ है जो कि है टोटली 8 पोर्शन का। 6 पोर्शन के बाद ऊपर 2 पोर्शन हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। यहाँ एक ये ब्रीडिंग बॉक्स है दोस्तों, जिस ब्रीडिंग बॉक्स को आप देखें किस तरीके से हमने यहाँ से वायर की सहायता से थोड़ा सा खोला हुआ है ताकि बर्ड बाहर भी ना आए और अंदर जो है वो हवा भी जाती रहे। और इस तरफ दोस्तों आप देखेंगे हमारे कॉकटेल बर्ड रखे हुए हैं, सभी कॉकटेल बर्ड को एक साथ में रखा हुआ है क्योंकि अभी ब्रीडिंग का ऑफ सीजन है और इन पे हमने मार्किंग की हुई है कलर की आप देखें। और ब्रीडिंग सीजन से पहले हम इन्हें अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इस तरफ हम कॉकटेल बर्ड को सेपरेट कर देंगे फिंच बर्ड के पड़ोस में ठीक सामने। और सुबह का समय है दोस्तों, सूर्योदय का समय है। और अब सबसे पहले हम चलते हैं इस जोड़े की तरफ और मैं आप सभी को ये लव बर्ड का जोड़ा दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जोड़ा है लव बर्ड्स का, ये जोड़ा आप देखें जो कि रेगुलर ब्रीडिंग कर रहा था। दोस्तों हम इससे ब्रीडिंग लेना नहीं चाहते थे, आखिर में जब हमने मटकियाँ हटाई, ब्रीडिंग बॉक्स हटाए, उस समय इसके ब्रीडिंग बॉक्स में एकदम बिल्कुल फर्टाइल अंडे थे, रेडी टू बच्चे निकलने वाले थे। वैसे हमने सेपरेट लव बर्ड्स को इस बार काफ़ी लेट फ्री किया था ब्रीडिंग से और एक जोड़ा फिर भी रह गया था। तो अब दोस्तों सवाल एक ये भी आता है कि मोहित भाई ऑफ सीजन में इसने ब्रीडिंग की है तो क्या ब्रीडिंग सीजन में इसे आप रेस्ट देंगे? तो दोस्तों एक क्लच ये पूरा होने के बाद इन्हें कुछ टाइम की रेस्ट दे दी जाएगी ताकि ये फिर से रिकवर हो जाएंगे, ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रहे 2 बच्चे जिसमें एक तो रेड आइज है और एक है ब्लैक आइज। आप देखें राइट वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक आइज है, लेफ्ट वाला रेड आइज है। तो बच्चों की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं। दोस्तों ये बच्चे ज्यादा छोटे नहीं है, बड़े बच्चे हैं। दोस्तों काफी भाइयों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मोहित भाई आपके लव बर्ड्स रेड आइज बच्चे भी कैसे निकालते हैं, तो ये रेड आइज के स्प्लिट है। दोस्तों आप देखेंगे इनके फ्लाइंग फेदर तो आ रहे हैं लेकिन ये जो पर हैं जो नोचे गए हैं वो वापिस आ जाएंगे थोड़े टाइम में, जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा थोड़ा सा टाइम तो जरूर लेंगे ये पर आने में। और ये रहा ब्लैक आइज बच्चा जो कि बिल्कुल बड़ा है, आप देखें भाग रहा है हाथों से। दोस्तों फेस से तो ऐसे लगता है कि ये बच्चा बिल्कुल तैयार हो गया है लेकिन परों से ऐसा नहीं लगता। दोस्तों कंडम बच्चे नहीं है,
बिल्कुल सही बच्चे हैं और जल्दी धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आप देखें इसके कोठे में फीडिंग भी करवाई गई है। दोस्तों थोड़ा सा समय लेंगे ये दूसरे बर्ड के मुकाबले, लेकिन ये तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों आप देखें कि जहां लव बर्ड्स का ब्रीडिंग एवरेज 4 बच्चों का आना चाहिए था, वहां 102 बच्चे आए हैं। कुछ बच्चे मर गए थे और 2 बच्चों को भी मैंने इस तरह के प्रयास करके बचाए कि हवा का मैंने प्रॉपर वेंटिलेशन दिया इस बॉक्स में, इतना डोर को मैंने खुला रखा। दिन में 2 समय हम अपने बर्ड को डाइट देते हैं। डाइट में भिगे हुए जो अनाज होते हैं वो हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो दोस्तों बर्ड्स को गर्मियों से बचाते हैं और बर्ड्स अपने बच्चों को बार बार फीडिंग भी करवाते हैं, तो इस कारण से ये बच्चे जो है वो बच गए हैं। और बाकी जल्दी बॉक्स की भी सफाई कर ली जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा ब्रीडिंग, बाकी गर्मियों में ब्रीडिंग का रिजल्ट ऐसा आता है, तभी हम आप सभी को कहते हैं कि गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने से हमारी भी नॉलेज बढ़ती है और आप सभी को हम समय समय पर समझा पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। बाय बाय फ्रेंड्स।